6 नवंबर यानी रविवार को भारत जिम्बाब्वे से जीतकर टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। भारत ने इस मैच में 71 रन से बड़ी जीत दर्ज की। मैच के हीरो रहे भारतीय टीम के प्राइम हिटर सूर्य कुमार यादव। सूर्या को प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। सूर्या ने सिर्फ 25 गेंदों में 61 रन ठोक कर अपनी पारी में 6 चौके और 4 छक्के लगाते हुए इंडिया को यह मैच जिताया। इसके अलावा सूर्य कुमार ने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। सूर्य कुमार यादव ने एक साल में टी20 इंटरनेशनल में 1000 रन के आंकड़े तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने अपनी स्ट्रैटेजी बताई। उन्होंने कहा कि उनका गेम साफ है, जो नेट पर है वही फील्ड पर है। सूर्य कुमार यादव ने मैच के बाद बातचीत करते हुए कहा, जब मैं और हार्दिक बल्लेबाजी कर रहे थे प्लान बहुत साफ था। उसने कहा था हमें पॉजिटिव रास्ता अपनाना चाहिए और हमने गेंद को हिट करना शुरू कर दिया और हम रुके नहीं। मुझे लगता है कि टीम का माहौल बहुत अच्छा है और नॉकआउट के लिए हमारी तैयारी भी। सूर्या ने इसी बातचीत में आगे कहा, मेरी स्ट्रैटेजी हमेशा से साफ रही है। मैं नेट्स में उन्हीं शॉट्स की प्रैक्टिस करता हूं जो मुझे फील्ड पर खेलने होते हैं। मैं स्थिति के हिसाब से ही बल्लेबाजी करता हूं कि टीम को क्या चाहिए। टी20 का नंबर वन बल्लेबाज होना अच्छा लगता है। आपको हर बार जीरो से शुरू करना होता है। मैं तो यही सोचता हूँ, देखते हैं अगले गेम में कैसा होता है। क्रिकेट के नई हलकों में स्काई को 360 डिग्री प्लेयर भी कहा जाने लगा है। मैच के बाद प्रेस से बात करते हुए उनसे जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, दुनिया में बस एक ही 360 डिग्री खिलाड़ी है और मैं उनके जैसा खेलना चाहता हूँ। आप और हम समझ चुके होंगे कि यहाँ किसकी बात हो रही है, ABD की यानी ABD Villiers की बात हो रही है, या आप भी समझ गए होंगे। इस कोट के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने लिखा, यानी ABD Villiers ने खुद ट्वीट कर लिखा, तुम बहुत तेजी से वहां पहुंच रहे हो यार, आज बढ़िया पारी खेली। मैच की बात करें तो रोहित शर्मा के नहीं चलने के बाद विराट कोहली ने 25 बॉल में 26 रन बनाए। KL राहुल के 85 के बाद टीम की बैटिंग का जिम्मा सूर्य कुमार यादव ने संभाला। सूर्या ने 25 बॉल पर 61 रन ठोक कर इंडिया को 186 रन तक पहुंचाया। सूर्या की पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल थे। इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया। जिम्बाब्वे की बैटिंग की बात करें तो इंडिया ने पहले 2 ओवर में ही 2 विकेट झटक कर क्रेग इरविन की टीम को एक बड़ा झटका दे दिया। हालांकि इसके बाद कैप्टन इरविन, शॉन विलियम्स, सिकंदर रजा और रायन बर्ड ने छोटी छोटी पारियां खेल जिम्बाब्वे को टारगेट के करीब पहुंचाने की कोशिश जरूर की, लेकिन जिम्बाब्वे की पारी 115 रन से आगे नहीं जा पाई और इंडिया ने यह मैच 71 रन के बड़े मार्जिन से जीत लिया। 10 नवंबर को दो हेवीवेट टीम्स इंडिया और इंग्लैंड एक दूसरे से भिड़ने वाली हैं। मुकाबला शानदार होगा। देखते हैं स्काई को फेंकी जा रही गेंदें स्काई में होंगी या वो खुद हवा हो जाएंगे। इस पूरे मैच पर, इस पूरे टूर्नामेंट पर लर्न टॉप स्पोर्ट्स की और लर्न टॉप की टीम की नज़रें जमी हुई हैं। टी20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज आपको हमारे ही चैनल पर मिल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है पुनीत, कैमरे के पीछे आलिशान।